हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक हम लोग पढ़ रहे थे बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में लास्ट वीडियो में हमने इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात की थी माइक्रो मॉलिक्यूल्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था और बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हें हमने ऑलरेडी लेक्चर वन में डिस्कस कर लिया है अब हम एक एक करके सभी बायो मॉलिक्यूल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आज हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूँ तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो तीन तरह के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए जो कंपाउंड्स हैं इन्हें हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट तो तो सोर्सिस की बात करें कार्बोहाइड्रेट्स के तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो सिंथेसिस है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में किया जाता है प्लांट्स के द्वारा प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करते हैं और उन्हें स्टोर करते हैं अपनी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च यानी कि शुगर शुगर की फॉर्म में वो कार्बोहाइड्रेट्स को अपने अंदर स्टोर करते हैं अगर हम प्लांट्स के ड्राई वेट की बात करें तो प्लांट्स का जो ड्राई वेट होता है एटी परसेंट वो कार्बोहाइड्रेट ही कंस्टिट्यूट करता है कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्लांट के एटी परसेंट वेट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एलगी की अगर मैं बात करूं एलगी के अलावा कुछ प्रोटिस्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये भी फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करते हैं और शुगर्स की फॉर्म में उन्हें अपने अंदर जो है स्टोर करके रखते हैं एनिमल्स और ह्यूमंस की अगर बात की जाए एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो है वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर एनिमल्स और इसके अलावा जो ह्यूमन बींग्स हैं ये डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर फॉर कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में ये ये जो स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं एज अ एनर्जी सोर्स सो so, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारी डाइट का मेन कॉन्स्टिचुएंट है ये हमें हमारे लिए फ्यूल की तरह काम करते हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी डे टू डे एक्टिविटीज को कैरी ऑन करने के लिए तो अगर कार्बोहाइड्रेट्स को देखा जाए तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो टू की रेशो में प्रेजेंट रहते हैं जैसे कि वाटर में हमें देखने को मिलता है अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का फॉर्मूला है एच टू ओ यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो टू इजू वन की रेशो में प्रेजेंट है सेम कार्बोहाइड्रेट्स में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो जो है वो रहता है टू इस टू वन इसीलिए हम इन्हें नाम देते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो है सी एन एच टू एन ओ एन अगर हमें नंबर ऑफ कार्बन पता है तो हम इस फॉर्मूला को यूज करके इजिली नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं मान लेते हैं एन यहाँ पे है थ्री यानी कि नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे है थ्री तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सी यहाँ पे है थ्री तो हाइड्रोजन हो गई थ्री इंटू टू टू एन है टू इंटू थ्री सिक्स एंड ओ अगेन हो गए एन यानी कि थ्री तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स को हम सेक्राइड्स भी बोलते हैं सेकराइड्स क्यों बोलते हैं सेक्राइड वर्ड जो है वो एक लेटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है सेक्रोन। सेक्रोन का मतलब होता है शुगर तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है इन्हें हम सेक्राइड्स भी बोलते हैं जिसका मतलब होता है शुगर तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो स्ट्रक्चर हमें दो तरह का देखने को मिलता है एक तो होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर राइट और दूसरा होता है रिंग स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ठीक है तो ओपन चेन में आप लोग देख सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट बैकबोन है जिसके साथ में बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स और हाइड्रोजन ग्रुप्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं तो ये रहता है ओपन चेन स्ट्रक्चर यहाँ पे हम ग्लूकोज की एग्जांपल लेके समझने की कोशिश कर रहे हैं दूसरा होता है रिंग स्ट्रक्चर ये ओपन चेन ग्लूकोज है और ये आप देख रहे हो रिंग चेन ग्लूकोज है तो रिंग चेन में क्या होता है फर्स्ट और फोर्थ कार्बन ग्लूकोज के केस में फर्स्ट और फोर्थ कार्बन जो है उनके बीच में बॉन्ड बन जाता है और इस तरीके से रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ पर सेम रहते हैं कार्बन नंबर भी सेम रहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर जो है वो भी सेम सेम रहता है यहाँ पे बस यहाँ पे आपको ओपन चेन देखने को मिलेगी और यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर या फिर रिंग स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा तो रिंग स्ट्रक्चर जो है वो भी दो तरीके का देखने को मिलता है एक तो होती है पायरनोस रिंग जो कि हेग्जामिक रिंग है जो कि एक हेग्जामिक रिंग है और दूसरी होती है फ्यूरनोस रिंग जो कि पेंटामरिक रिंग है तो इस तरीके से दो तरह के रिंग स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं अगर फॉर्म्स की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हमें देखने को मिलता है जैसे कि शुगर की फॉर्म में हम देखते हैं जैसे हमारे घर में जो शुगर होती है जिसे हम टेबल शुगर बोलते हैं जो घर में हम कॉमनली यूज करते हैं उस फॉर्म में देखने को मिलता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में देखने को मिलता है जिसे हम एनिमल स्टार्च बोलते हैं क्योंकि एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स में जो है कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं प्लांट स्टार्च की फॉर्म में देखने को मिलता है इसके अलावा सेलुलोज की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है केमिकल कॉम्पोजिशन की अगर बात करें अभी हमने बात की कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं इन्हें हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स भी बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी का यहां पर मतलब है मेनी हाइड्रोक्सी और कीटोन और एल्डिहाइड का मतलब ये है कि इनके पास में कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं यानी कि कार्बोनाइल प्रेजेंट होते हैं एल्डिहाइड यानी कि हमें एक एल्डिहाइड ग्रुप ग्रुप देखने को मिलेगा इसके अलावा जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इनमें हाइड्रोक्सल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे हाइड्रोक्सल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए कहा पॉलीहाइड्रोक्सी और इसके अलावा कार्बोनाइल ग्रुप जो है प्रेजेंट होता है जो कि एल्डिहाइड भी हो सकता है सी और कीटोन भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है कार्बन चेन के एंड पे एल अगर प्रेजेंट है तो उस शुगर को हम कहेंगे एलडोस शुगर कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं सभी कार्बोहाइड्रेट्स के साथ में हम ओसिक्स जो है ये लगाते हैं तो अगर किसी कार्बन चेन के एंड में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो वहां पे उसे हम कहेंगे एल्डोस अगर तो कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो चेन के मिडल में प्रेजेंट है यानी कि कीटोन ग्रुप अगर प्रेजेंट है चेन के मिडल में तो उसे हम कहेंगे कीटोस शुगर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये एल्डोस शुगर है ये एक थ्री कार्बन थ्री कार्बन शुगर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो कार्बोन ग्रुप है वो कहाँ पर प्रेजेंट है एंड पर प्रेजेंट है कार्बन चेन की एंड पर प्रेजेंट है तो ऐसी शुगर शुगर को हम कहते हैं sugar, अगर ग्रुप जो है वो चेन के बीच में कहीं पे प्रेजेंट है यानी कि मोनोसेक्राइड तो तो जो की एक शुगर से बनते हैं दूसरे होते हैं कि दो से शुगर से बनते हैं फिर होते हैं पॉलीसेक्राइड जो कि एन नंबर ऑफ शुगर से मिलकर बनते हैं तो मोनोसेकराइड्स जो होते हैं ये सिंपल शुगर्स होती हैं क्योंकि यहाँ ये सिर्फ एक ही शुगर मॉलिक्यूल्स को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं ऑलिगोसेकराइड्स और पॉलीसेक्राइड्स जो हैं इन्हें हम कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं क्योंकि ये सिंपल शुगर्स की पॉलीमिराइजेशन से बनते हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी जो आ, हैं वो आपस में पॉलीमराइज होकर एक दूसरे के साथ में बॉन्ड्स बनाकर क्या बनाती हैं कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स बनाती हैं जो कि ओलिगो कार्बोहाइड्रेट ओलीगोसेक्राइड्स भी हो सकते हैं और पॉलीसेक्राइड्स भी हो सकते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोसेक्राइड्स के बारे में जो है, ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं यानी कि सिंगल शुगर यहाँ पे प्रेजेंट होती है यहाँ पे क्या होता है सिंगल शुगर प्रेजेंट होती है अब ये जो शुगर है ये जो सिंगल शुगर है इसमें तीन से सात कार्बन एटम्स जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं इसमें तीन कार्बन की शुगर भी हो सकती है चार की भी हो सकती है पांच की भी हो सकती है छह और सात कार्बन एटम्स की भी हो सकती है अब ये जो शुगर है इसमें कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है इस बेसिस पर इसे फर्दर डिवाइड किया है ट्रायोसिस जहां पे तीन कार्बन होंगे टेट्रोसिस चार कार्बन से बनती है पेंटोसिस फाइव कार्बन हेक्सोसिस सिक्स कार्बन एंड हेप्टोसिस सेवन कार्बन की शुगर होती है ट्रायोसिस की अगर बात करें तो यहाँ पे तीन कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं और इसकी एग्जाम्पल है ग्लिसरेल्डिहाइड हाइड्रोक्सी एसिटोन शुगर्स तो जब हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ते हैं जब हम ग्लाइकोलिटिक पाथवे की बात करते हैं वहां पर हम लोग देखते हैं दो तो कंपाउंड हमारे पास फॉर्म होते हैं एक होता है एंड जो कि एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं तो यहाँ से हमें एक और इम्पोर्टेंस जो है वो ग्लाइकोलिस की सॉरी एक इम्पॉर्टेंट हमें कार्बोहाइड्रेट्स की पता चल गई कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारी जो अः बायोसिंथेटिक पाथवेज होते हैं जो हमारे बायोसिंथेटिक पाथवेस होते हैं वहां पर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो किनका काम करते हैं इंटरमीडिएट्स का काम करते हैं तो एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो की एक तो है ट्रायलहाइड जो कि एक एल्डो एल्डोट्रायोस है एल्डो एल्डोट्रायोस क्यों क्योंकि एक तो ये एल्डोस है क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो कहा प्रेजेंट है एंड पे प्रेजेंट है ट्रायोस है क्योंकि तीन कार्बन से बनी है सिमिलरली कीटोट्रायोस है Acetone, acetone, दोनों एक दूसरे के होते हैं। उसके में फोर कार्बन प्रेजेंट होते हैं इसकी एग्जाम्पल है इिथ्रोस एंड थ्रियोस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और इनमें फर्क जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप की जो पोजीशन है उसमें है उसके बाद पेंटोसिस की अगर बात की जाए पेंटोसिस फाइव कार्बन एटम से बनते हैं इनकी एग्जाम्पल है राइबोस राइबुलोस एंडक्सी राइबोस यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल्स आपको दिखाई हुई हैं एक है राइबोस और एक है डी ऑक्सी राइबोस तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो जनरल फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट्स का वो होता है सी एन एस टू एन एंड ओ एन तो यहाँ पे अगर पांच कार्बन है तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा सॉरी फॉर्मूला को अगर हम अप्लाई करें तो फाइव कार्बन टेन हाइड्रोजन और फाइव ऑक्सीजन लेकिन अगर मैं बात करूं डी ऑक्सीराइबोज की तो इसका जो फॉर्मूला है इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो रहता है सी फाइव एच टेन एन ओ फोर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका नाम ही बता रहा है डी ऑक्सीराइबोस क्योंकि यहाँ से एक ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर मिसिंग है एक ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन जब हम राइबोस से रिमूव कर देते हैं तो वो बन जाता है डी ऑक्सी राइबोस तो ये एक एक्सेप्शन है यहाँ पे पेंटोसिस के केस में अगर मैं हेक्जोसिस की बात करूं तो हेग्जोसिस जो है वो सिक्स कार्बन से मिलकर बने होते हैं और इनकी एग्जाम्पल हैं ग्लूकोस गलेक्टोस फ्रुक्टोस मैनोस और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ग्लूकोस और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है उसके बाद अगर मैं बात करूं हेप्टोसिस की तो हेप्टोसिस जो है ये सेवन कार्बन एटम्स होते हैं इनकी एग्जांपल है सीरोप्टोलोस ग्लूकोहेप्टोस एंड गलेक्टो हेप्टोस। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूँ uh, की, तो ये स्वीट होती हैं टेस्ट में मीठी होती हैं ये जब अगर हम इन इन्हें वाटर में डिजोल्व करें तो ये फटाफट से वाटर में डिजोल्व हो जाती हैं और ये ट्रू सॉल्यूशन बनाती हैं, यानी कि कंप्लीटली वाटर में डिजोल्व हो जाती है रेडली डिजोल्व हो जाती है वाटर में क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है शुगर की नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ये क्या होती हैं इनसॉल्यूबल होती हैं अगर हम सॉल्यूशन को देखो तो सॉल्यूशन के अंदर ये फ्यूरेनोस फुरे, और पायरोनोस फॉर्म्स में दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं और ये दोनों फॉर्म्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं जैसे कि ये आप देख सकते हो पायरोनोस फॉर्म है जो कि हेक्सामेरिक है और दूसरी फ्यूरेनोस फॉर्म है जो कि पेंटामेरिक फॉर्म है तो ये दोनों फॉर्म जो है वो सॉल्यूशन के अंदर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं इसके अलावा ये सेल मेम्बरेन से इजीली डिफ्यूज कर जाती हैं क्योंकि ये इजीली इजिली डिजॉल्वेबल होती हैं वाटर के अंदर ट्रू सोल्यूशन फॉर्म को फॉर्म करती हैं और इनका जो साइज होता है वो क्या होता है बहुत स्मॉल होता है जिसकी वजह से ये सेल मेम्बरेन से इजीली डिफ्यूज कर सकती हैं ये प्लेन पोलराइज को रोटेट कर सकती हैं यानी कि अगर हम प्लेन पोलराइज की बात करें तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को इधर लेफ्ट और राइट right रोटेट कर सकते हैं अगर ये को में करेंगे, तो इने हम कहेंगे लेवो रोटेटरी। और अगर राइट right में रोटेट करेंगे तो इन्हें हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी तो ये दो फॉर्म्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि ये लाइट को कौन सी तरफ रोटेट करेंगी जितनी भी मोनोसेक्राइड्स होती हैं वो सब आइसोमेरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं और ये रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए तो जितनी भी मोनोसेक्राइड्स होती हैं ये क्या होती हैं मोनोसेक्राइड्स होती हैं रिड्यूजिंग शुगर्स शुगर्स विद फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप कैन रिड्यूज क्यूपरिक आयंस इनटू क्यूपरस आयंस दीज आर देयर फॉर कॉल्ड रिड्यूजिंग शुगर्स तो यहाँ पे कहा है कि ऐसी शुगर्स जिनके पास में फ्री एलडीहाइडो फ्री कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ऐसी शुगर्स क्या करती है क्यूपरस आय में रिड्यूज कर सकती है और इन्हें हम कहते हैं रिड्यूजिंग शुगर्स अब रिड्यूजिंग रिडु, शुगर्स को डिटेक्ट करने के लिए दो टेस्ट होते हैं एक होता है बेनेडिक स्टेस तेस्, टेस्ट और एक होता है फैलिंग टेस्ट तो यहाँ पर हम दो रीजन को यूज करते हैं बेनेटिक्स टेस्ट में यूज किया जाता है बेनेडिक्ट्स रीजेंट बेनेडिक्ट्स रीजेंट के अंदर जब हम किसी शुगर को ऐड करते हैं अगर हमें ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स देखने को मिले, अगर हमें ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स देखने को मिले, तो मतलब जो शुगर है वो रिड्यूसिंग शुगर है अगर हमें ये प्रेसिपिटेट्स नहीं देखने को मिले, तो मतलब जो शुगर है वो नॉन Reducing sugar है. Similarly, test में भी हमें ऐसा ही रिजल्ट देखने को मिलता है डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पे हम बेनेडिक्स रीजेंट यूज कर रहे हैं और यहाँ पर हम फेलिंग्स रीजेंट जो है वो यूज करते हैं इन दोनों का जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है रिजल्ट जो है वो सेम आते हैं रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में क्या डिफरेंस होता है रिड्यूसिंग शुगर्स में हमें फ्री एल डीहाइडो कीटोन ग्रुप्स देखने को मिलते हैं जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में वो हमें नहीं देखने को मिलते हैं। और जो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं वो क्यूप्रिक आइन्स को यानी कि कॉपर टू पॉजिटिव आइंस को कॉपर पॉजिटिव आइंस में कन्वर्ट कर सकती हैं और जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं वो ऐसा नहीं कर सकती उसके अलावा द एल डी हाइड्रो कीटोन ग्रुप ऑफ अल सिंपल शुगर कैन ज्वाइन विद द एल्कोहलिक ग्रुप ऑफ अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मिंग अ बॉन्ड कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन एंड इनवॉल्व लॉस ऑफ वाटर तो यहाँ पर क्या बात हो रही है यहाँ पर ये यह बोला जा रहा है कि ये जो आ, हमारे पास सिंपल शुगर्स होती हैं एल्डोज शुगर्स और कीटोज शुगर्स जो होती हैं मान लेते हैं हमारे पास एक ग्लूकोज है अब ये जो ग्लूकोज है ये क्या करता है ये अपने जैसे किसी और कंपाउंड कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके पास में फ्री ओ एच प्रेजेंट है या फिर मान लो हम यहाँ पर एक और ग्लूकोज ही ले लेते हैं जिसके पास में फ्री ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है तो ये क्या करते हैं ये कंपाउंड क्या करते हैं ये वाटर को यहाँ से एलिमिनेट करते हैं एक वाटर के मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देते हैं और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ग्लूकोज है इस ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन के साथ में जो ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है उसका हाइड्रोजन और जो दूसरा ग्लूकोज है उसके फोर्थ कार्बन का जो ओ OH एच है वहां से ओ OH एच जो है ये क्या करेंगे ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वॉटर अब यहाँ पे बचा ऑक्सीजन अब ये जो कार्बन है इसके पास में प्रेजेंट है एक ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन जो है ये दो बॉन्ड्स बना सकता है एक बॉन्ड इसने इसने ऑलरेडी बनाया है इस कार्बन के साथ और दूसरा बॉन्ड ये जो कार्बन है जिसके साथ में OH ग्रुप रिमूव हो गया दूसरा बॉन्ड ये इस कार्बन के साथ में बनाएगा ये जो बॉन्ड है इसे हम कहते हैं वन फोर ग्लाइको बॉन्ड वन फोर का मतलब यहाँ पे ये है कि फर्स्ट ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन और सेकेंड ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन के बीच में ये बॉन्ड बन रहा है इसलिए हम इसे कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इस बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ है सिमिलरली यहाँ पे आप लोग लिखोगे कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बीच में भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और हमें मिलेगा एक सुक्रोज का मॉलिक्यूल अब यहाँ पे लिखा है ये जो रिएक्शन होती है इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन इस रिएक्शन को हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन और इसके अलावा हम इसे हाइड्रेश, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है वॉटर का रिमूवल हो रहा है जिस वजह से इसे हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी बोलते हैं और ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों है क्योंकि द न्यू कंपाउंड कैन बी स्प्लिट इन टू इट ओरिजिनल फॉर्म बाय हाइड्रोलिस अब ये जो कंपाउंड हमारे पास बना है यानी कि यहां पे हमने और फ्रुक्टोज जो है इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना और हमें मिल गया सुक्रोज अब ये जो नया मॉलिक्यूल हमें मिला है जो नया कंपाउंड हमें मिला है इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाएं यानी कि अगर हम वाटर यहाँ पे दोबारा से ऐड कर दें तो जो दोनों पेरेंट मॉलिक्यूल्स है यानी कि हमें दोबारा क्या मिल जाएगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये हमारे पास सुक्रोज का मॉलिक्यूल है जो कि किससे बना है एक ग्लूकोस से और एक फ्रुक्टोज से मिलके बना हुआ है इनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहाँ पर बनी है अब अगर हम इसका करवाते हैं हाइड्रोलिसिस यानी कि वाटर का यहाँ पे अगर हम एडिशन करवाते हैं तो हम देखेंगे कि ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा इंटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज वाटर का हमने यहाँ पे ऐड करवाया वाटर को एड करवायानी ओवेच और एच का एडिशन हो गया ओ एच चला जाएगा यहाँ ग्लूकोज के पास और एच चला जाएगा यहाँ फ्रक्टोज के पास और दोबारा हमें मिल जाएगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोस और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है वो क्या हो जाएगी यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी तो ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल है उसके बाद अगर हम मोनोसेक्राइड्स के फंक्शंस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस में और इसके अलावा बहुत सारे बायो केमिकल जो प्रोसेसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उनमें ये जो हैं, ये इंटरमीडिएट्स का काम करते हैं जैसे हमने ग्लाइकोलिसिस में देखा ग्लाइकोलिसिस के केस में हम देखते हैं ग्लिसर एल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट और डिहाइड्रोक्सी Acitone, का फॉर्मेशन होता है तो ये क्या कर रहे हैं वहां पे इंटरमीडिएट्स का काम कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस सभी जो शुगर्स हैं ये सभी जो मोनोसेक्राइट हैं ये क्या करते हैं इंटरमीडिएट्स का काम करते हैं इसके अलावा फ्यूल के फॉर्म में ये काम करते हैं प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में और एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो शुगर्स हैं वो स्टोर रहती हैं मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो स्टोर रहती हैं ग्लाइकोजन और स्टार्च के फॉर्म में और टाइम आने पर ये सिंपलर शुगर्स में यानी कि मोनोसेक्राइड्स में ब्रेक होती हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं हमारी डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए इसके अलावा ये सेल ऑर्गेनलिज और, और माइक्रोमोलिक्यूल्स के जो है कॉम्पोनेंट्स की तरह भी एक्ट करती हैं हमारी बॉडी में जैसे कि अगर हम राइबोस की बात करें तो राइबोस जो है वो हमें राइबो न्यूक्लिक एसिड में देखने को मिलती है डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए और डीएनए में भी हमें राइबोस देखने को मिल रहा है इसके अलावा जो माइक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं जो बायोकेमिकल पाथवेज में इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि एनए डी एच में एन ए डी पी एच में एन ए डीपी में इसके अलावा एफ डी एच जितने भी ये माइक्रो मोलिक्यूल्स हैं इनके इनके केस में भी हमें देखने को मिलते हैं ये मोनोसेक्राइड्स उसके अलावा ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारी बॉडी के हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स ब्लॉक्स की तरह ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी uh, में हम देखते हैं कि ग्लाइकोजन ग्लाइक्रोजन स्टार्स सेलुलोज पॉलीसेक्राइड्स जो है ये क्या करते हैं हमारी बॉडी की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं तो बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह भी ये काम करते हैं इसके अलावा दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अदर कंपाउंड्स बाकी के जो बायो सिंथेटिक Uh, जो है कंपाउंड्स होते हैं बाकी की जो हमारी बॉडी में जो हमारा जो कार्बन स्केल्टन है आ, वो किससे बना हुआ है डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स से मिलकर बना होता है फैटी एसिड्स की फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं काइटिन जो एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है प्लांट्स में प्लांट्स में उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं उसके अलावा ये फैटी एसिड्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं तो बाकी के जो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं उनके फॉर्मेशन तो में भी मोनोसेक्राइट्स जो है वो हेल्प करते हैं अब हम बात करेंगे ओलिगोसेक्राइट्स के बारे में ओलीगोसेक्राइड्स जो है ये मोनोसेक्राइट्स की पॉलीमराइजेशन से बनते हैं ओलिगोसेक्राइड्स किससे बनते बनते हैं मोनोसेक्राइड्स की पॉलीमराइजेशन से दो से छह शुगर मॉलिक्यूल्स जो है वो मिलकर बनाती हैं तो दो से छह शुगर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये मिलकर बनाते हैं और बाय कंडेंसेशन हमने अभी पढ़ा कि कंडेंसेशन प्रोसेस से जो डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स हैं उनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है सॉरी कंपाउंड जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे कि पॉलीसेक्राइड्स उनका फॉर्मेशन होता है और ये जो रिएक्शन है ये कैसी होती है रिवर्सिबल रिएक्शन होती है यानी कि जो ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं वो दोबारा मोनोसेक्राइड्स में भी टूट सकते हैं जैसे यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज का हमने एग्जाम्पल देखा था इन दोनों के बीच में वन टू ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और बनती है सुक्रोज। तो बॉन्ड जो है वो जनरली कार्बन वन और कार्बन फोर के बीच में बनता है ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है लेकिन कुछ केसेस में जैसे सुक्रोस के केस में हम देखते हैं कि वन टू ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है अगर हम ऑलिगोसेक्राइड्स को क्लासीफाई करें तो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स किसी ऑलिगोसेक्राइड में कितने मोनोसेक्राइड प्रेजेंट हैं उस बेसिस पे हम इन्हें डिवाइड करते हैं इनटू डाइसेक्राइड्स जहाँ पे दो शुगर यूनिट्स प्रेजेंट है इसकी एग्जाम्पल है सुक्रोस ट्राइसेक्राइड्स जहाँ पे तीन शुगर जो है वो इन्वॉल्व है इसकी एग्जाम्पल है रेफिनोस टेट्रासेक्राइड्स जहाँ पे चार शुगर्स प्रेजेंट है इसकी एग्जाम्पल है स्टेकियोस पेंटासेकेराइड्स जिसकी एग्जाम्पल है वर्बेस्कोस एंड हेक्सासेकेराइड्स जहाँ पे सिक्स शुगर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं और इसकी एग्जाम्पल है अल्फा साइक्लोडेक्सट्रिन तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बाय, कुछ बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट ओलिगोसेकेराइड्स की बात की है बेसिकली जो हमारे डाइसेकेराइड्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो है वो सबसे ज्यादा होता है कुछ डायसाइक्राइ डाइसाइक्राइट्स यहाँ पे दिए हैं जैसे कि सुक्रोस लेक्टोज और माल्टोज सुक्रोज जो है वो ग्लूकोस और फ्रुक्टोज से मिलकर बनती है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के केस में हमें वन टू ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखने को मिलती है क्योंकि ये ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन और फ्रुक्टोज के सेकेंड कार्बन के, के बीच में हो बन रही है इलेक्टोज के केस में गलेक्टोस और ग्लूकोज के बीच में वन फोर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और माल्टोज जो है वो बनती है ग्लूकोज और ग्लूकोज से जिनके बीच में वन फोर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखने को मिलता है अब इन बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट डायसाइक्राइड्स को हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले अगर हम माल्टोज की बात करें तो माल्टोज जो है वो लार्जर पॉलीसेक्राइड्स का डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है जैसे अगर हम बात करें जब हम फूड को इंजेस्ट करते हैं तो हम पॉलीसेक्राइड की फॉर्म में जो शुगर्स हैं उनको लेते हैं यानी कि पॉलीसेक्राइड्स के फॉर्म में हम कार्बोहाइड्रेट्स को लेते हैं अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनके ऊपर एक्ट करता है एक इंजाइम जिसका नाम है एमाइलेस ये एमाइलेस जो है ये एक्ट करता है इन पॉलीसेक्राइड्स के ऊपर और इन्हें ब्रेक करता है इनटू सिंपलर शुगर्स इसी का प्रोडक्ट होता है माल्टोस माल्टोस जो है वो इसके अलावा हमें जर्मिनेटिंग सीड्स के केस में भी देखने को मिलता है तो जो हमारे सीड जो होते हैं सीड के अंदर भी बहुत सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो पॉलीसेकराइड्स की फॉर्म में स्टोर होते हैं अभी सीड को जब फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी यानी कि जब इसे सॉइल uh, मिलेगी हाइड्रेशन मिलेगा वाटर uh, जब इसे मिलेगा तो जब इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो यहाँ पे अमाइलेज इंजाइन जो है वो एक्टिवेट होता है अमाइलेज है वो पॉलिसेक्राइड्स को ब्रेक करता है इंटू सिंपलर शुगर्स जैसे कि माल्टोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज उनमें उन्हें कन्वर्ट करता है तो माल्टोज जो है वो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है पॉलीसेक्राइड्स का इसके अलावा हमें ये माल्ट में भी देखने को मिलता है जिसकी वजह से हम इसे माल्ट शुगर बोलते हैं और माल्टोस जो है वो एक रिड्यूसिंग शुगर है सुक्रोस जो है उसे उसे हम कॉमनली बोलते हैं केन शुगर क्योंकि ये शुगर केन से कमर्शियली हम इसे शुगर केन से ऑप्टेन करते हैं और इसे हम टेबल शुगर बोलते हैं क्योंकि जो हमारे घर में कॉमन शुगर यूज की जाती है उसे हम कहते हैं टेबल शुगर और वो सुक्रोस ही होती है इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर्ड इन प्लांट्स तो प्लांट्स जो है उनमें जो शुगर है फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है वो सुक्रोस है जो कि स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है सुक्रोस जो है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्योंकि इसके पास में फ्री एल्डिहाइड एंड फ्री कीटोन ग्रुप्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते लेक्टोस की अगर बात करें तो लेक्टोस जो तो है ये मिल्क शुगर है क्योंकि ये हमें मेमेलियन मिल्क में ही देखने को मिलता है लेक्टोस जो तो है वो सिर्फ और सिर्फ मेमेलियन मिल्क में प्रेजेंट होता है एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टिस ये क्या करता है ये लेक्टोस के ऊपर एक्ट करता है और लेक्टोस को कन्वर्ट कर देता है इंटू लैक्टिक एसिड जिसकी वजह से जो मिल्क है वो सावर हो जाता है अगर हम डाय की प्रॉपर्टीज की बात करें तो डाई भी मोनोसेक्राइड्स की तरह स्वीट होते हैं मीठे होते हैं ये भी ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं वाटर में लेकिन अगर हम इनका डिफ्यूजन रेट देखें तो मोनोसेक्राइड्स के कंपैरिजन में जो डाय हैं वो वेरी स्लोली डिफ्यूज करते हैं इनटू सेल मेम्ब्रेन क्योंकि इनका जो साइज होता है वो क्या होता है इनका साइज होता है लार्ज जिसकी वजह से ये सेल मेम्ब्रेन में से इजीली डिफ्यूज नहीं कर सकते हैं जब हम इन्हें डाइल्यूट एसिड या फिर इंजाइम्स के साथ में एक्ट करते हैं जैसे अभी हमने बात की अमाइलेस जो है वो जब डाइसेक्राइड्स के ऊपर एक्ट करेगा डाइसेक्राइड्स के ऊपर या फिर ओलिगोसेक्राइड्स के ऊपर एक्ट करेगा तो ये हाइड्रोलाइज हो जाती है इंटू मोनोसेक्राइड। तो ये किस में ब्रेक हो जाएंगे इंटू मोनोसेकर अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो सेलुलर इंट्रैक्शन मेंाइड जो है उनका रोल देखने को मिलता है अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है हमारी हमारी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है ये डायसेक्राइड्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं ये सेल इंटरेक्शन में सेल सेल कम्युनिकेशन में सेल इंटरेक्शन में ये हेल्प करते हैं कोई भी जो फॉरेन मॉलिक्यूल है वो आकर इन ओलीगोसेकराइड्स के ऊपर बाइंड करता है और ये जो ओलिगोसेकराइड्स होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि वो सेल के अंदर एंटर करेगा या फिर एंटर नहीं करेगा यानी कि ये परमिएबिलिटी में सेल परमिएबिलिटी में हेल्प करते हैं और सेल इंट्रैक्शन में ये हेल्प करते हैं उसके अलावा ये स्टोर्ड फूड का काम करते हैं जैसे हमने देखा कि स्टार्च जो है वो प्लांट्स के अंदर स्टोर होता है सुक्रोज जो है जो, वो प्लांट के अंदर स्टोर होती है एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये स्टोर होता है तो स्टोर्ड फूड के तरह ये एक्ट करते हैं ओलिकोसेक्राइड्स फ्यूल का ये काम करते हैं हमारी बॉडी में ये स्टोर रहते हैं और टाइम आने पर जब इनकी रिक्वायरमेंट होती है तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इनका ब्रेकडाउन होता है ये मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट होते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए इसके अलावा ये हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं राइट right? ये एनर्जी हमारा स्टोर्ड फूड होता है ये हमारी बॉडी में तो ये हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करता है इसके अलावा जैसे हमने लेक्टोस की बात की तो जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उसमें जो लेक्टोस है जो कि वो मेमेलियन मिल्क के थ्रू इंजेस्ट करते हैं लेक्टोस जो है वो बेबीज को नरिशमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है तो ये थे ओलिगोसेक्राइट्स और तो डायसेक्राइड्स इसके अलावा एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है एक डायसेक्राइड की बात हो रही है यहाँ पे जिसका नाम है ट्रीहेलोस ट्रेलोस जो है ये मेजर शुगर है जो देखी जाती है इंसेक्ट हेमोलिम्फ में इंसेक्ट्स का जो हेमोलिम्फ होता है उसमें ट्रीहेलोस देखने को मिलती है जो इन इंसेक्ट्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है इसके अलावा जो ट्रीहेलोस है वो कुछ फंगस में भी हमें देखने को मिलता है ओलिगोसेक्राइड जो हैं ये ब्रांश और अनब्रांश चेन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जैसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर देखते हैं कि ये ब्रांच्ड ओलिगोसेक्राइड जो होते हैं सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से और ये सेल सेल इंटरेक्शंस में हेल्प करते हैं तो ओलिगोसेकराइड्स जो है वो ब्रांश्ड और अनब्रांश्ड दोनों ही फॉर्म्स में हमें देखने को मिलते हैं तो आज हमने बात की मोनो एंड डाई सेक्राइड्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीसेक्राइड्स के बारे में और उसके बाद हम लिपिड्स को डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स अमाइनो एसिड सबको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन्स है अगर आपको लगता है ये ज़्यादा डिटेल में है या ज़्यादा शॉर्ट में है तो मुझे आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना ताकि वो भी यहाँ से हेल्प ले सकें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देखना वीडियो को ज़रूर देना वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग